Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain chapter number 15 and name of the chapter is light. तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट जो है उसका क्या रोल है हमारे जीवन में और लाइट की वजह से ही हम सब चीजें देख पाते हैं. वी आर एबल ओनली ड्यू टू द लाइट. वी आर एबल टू सी एनीथिंग ड्यू टू द लाइट. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्लियर, अबाउट द मिरर, लेंस, ठीक है, एंड प्रिज्म आल्सो. सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर. तो देखो बेटा, लाइट जो होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड किसी भी चीज को हम तभी देख पाते हैं. इस कमरे में जो कुछ भी हमें है, जो कुछ भी चीजें हैं, वो हम तभी देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से लाइट, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हो या फिर हमारा जो नेचुरल है यानी कि सनलाइट है, उसकी वजह से ही हम देख पाते हैं. यानी कि जब भी कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है तो वहां से वो बाउंस बैक होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और तब हम उसको देख पाते हैं. तो ये चीजें जो है, बेसिक चीजें जो है, आपने सिक्स स्टैंडर्ड में सारी पढ़ी है, डिस्कस की है. यहां पर हम पढ़ेंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है. तो देखिएगा, अगर हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करें, सपोज मैंने एक कैंडल ली हुई है और उस कैंडल को एक मेरे पास एक पाइप है प्लास्टिक का, ठीक है, और उसको पाइप से मैं बिल्कुल स्ट्रेट है वो पाइप और उस पाइप से उस कैंडल फ्लेम को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, सीधा, मतलब जैसे कि एक पाइप लंबा है और उसका एक एंड जो है मेरी आंख के पास है और दूसरे एंड से मैं उस फ्लेम को देख रही हूँ. तो इजिली आई एम एबल टू सी द कैंडल फ्लेम, क्योंकि लाइट क्या होती है, हमेशा लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. मींस लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अगर हम उस कैंडल फ्लेम को किसी बेंट पाइप से, ठीक है, एक मुड़ा हुआ पाइप है बीच में से, और उस पाइप से अगर हम देखना चाहें तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइट, मैंने क्या कहा आपसे, कि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व करती है. तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन में आएगी और पाइप क्या है, बीच में से मुड़ा हुआ है, ठीक है, वो बेंट है, तो बेंट पाइप से वो, ये तो है नहीं कि जितना पाइप मुड़ा हुआ है तो लाइट रेज भी मुड़ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो वो हमें जो कैंडल फ्लेम है वो दिखाई नहीं देगी. सेकेंड है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, है ना, बाउंसिंग बैक. सिंपल सी चीज है, मेरे पास एक बॉल है और बॉल को मैं दीवार पर, मींस उसको, उसके दीवार की तरफ उसको थ्रो कर रही हूं, तो वो क्या होगा, दीवार से टकरा कर और फिर मेरे पास वापस आएगी, तो क्या हो रहा है, बाउंस बैक होकर आ रही है, क्लियर. इसी तरीके से लाइट रेज जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो क्या होती है, वहां पर उसमें बाउंसिंग होती है, बाउंस बैक होकर वापस आती है और तभी हम उस चीज को देख पाते हैं. और ये रिफ्लेक्शन, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. मींस रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन द सेम डायरेक्शन. जितनी भी सरफेस स्मूथ होती है, स्मूथ और शाइनी जो सरफेस होती है, उनसे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमारे घर में जो टाइल्स होती है, बाथरूम में जो टाइल्स है या रूम में जो टाइल हम यूज करते हैं, तो टाइल में हम अपना भी, अपनी इमेज को देख पाते हैं, क्योंकि वो कितनी चिकनी है, कितनी स्मूथ है. और जो मिरर हमारा होता है, प्लेन मिरर जो है, या कोई भी ग्लास है, मिरर है, या फिर आपका सनमाइका है ना, पॉलिश्ड कोई भी चीज है, तो उसमें क्या होता है कि स्मूथनेस होने की वजह से वहां पर रिफ्लेक्शन भी अच्छे से हो पाता है, क्योंकि जितनी लाइट रेस फॉल करती है वो पैरेलली ही सारी की सारी क्या होती है, बाउंस बैक होती है, और उस सेंस में रिफ्लेक्शन अच्छे से हो पाता है, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पाता है हम कह सकते हैं. और उतनी ही, जितना ज्यादा स्मूथनेस होगी, जितनी चिकनी सरफेस होगी, जितनी पॉलिश सरफेस होगी, उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन भी अच्छे से हो पाता है. जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो वाटर एक्ट ऑल्सो एज अ मिरर. तो पानी जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा जो पानी होता है, वो भी एक तरह से मिरर की तरह बिहेव करता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वाटर, जो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है पॉन्ड में या फिर कहीं पर भी किसी लेक में, तो उसमें हमें अपनी खुद की ही जो है इमेज दिखाई देती है, और जो आसपास जो पेड़ हैं या जो भी चीजें हैं, उन सब ऑब्जेक्ट्स की इमेज पानी में हमें दिखाई देती है, विजिबल होती है वहां पे, है ना. तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कि लाइट जो है, लाइट रेज जब किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो वहां से वो बाउंस बैक होती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
सिंपल सा रिफ्लेक्शन पर एक छोटी सी स्टोरी भी है आपके बुक में भी दी हुई है कि जस्ट एक आपने रैबिट और लॉइन वाली एक स्टोरी थी कि वो लॉइन जो था वो सबको मींस खा जाता था, तो वन बाई वन एक बार रैबिट की टर्न आई तो उसने क्या किया, दिमाग से काम लिया, उसने कहा कि आप जंगल के राजा हो और आपसे भी एक मींस एक और है वो कुएं के अंदर रहते हैं और वो भी वो आपसे ज्यादा बहादुर अपने आप को बताते हैं, ठीक है। तो लॉइन को बड़ा गुस्सा आया तो उसने कहा कि चलो ठीक है मेरे पास लेके मुझे वहां पे लेके चलो। तो रैबिट क्या हुआ, रैबिट चतुराई से उसने काम लिया और वो वहां पे जब कुएं के पास उसको लेके गया तो शेर ने धाड़ा चिल्लाया। अब एक्चुअली था क्या कि पानी के अंदर जैसे ही उसने देखा शेर ने तो उसको अपनी ही इमेज दिखाई दी, तो उसने सोचा कि रियली इसमें तो दूसरा शेर है, वेल के अंदर कुएं के अंदर एक शेर और है और मैं धाड़ रहा हूं तो वो भी धाड़ रहा है, उसकी इतनी हिम्मत। तो उसे गुस्से में क्या हुआ, क्योंकि एक्चुअली वो क्या रहा था, कुएं के अंदर जो पानी था उस पानी के अंदर शेर को अपनी ही परछाई अपना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था और उसने सोचा कि दूसरा शेर है वहां पर, तो वो क्या करता है कूदाक लगा जाता है, जंप लगा देता है उसके अंदर कुएं के अंदर और वो मर जाता है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, रैबिट ने चतुराई से अपने दिमाग से बुद्धि से मतलब और जानवरों की भी रक्षा की। तो वहां पर मेन मोटो मेरा ये बताने का ये है कि जस्ट यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन द लाइन इज जस्ट ऑब्जर्विंग हिज इमेज, तो वो अपनी ही इमेज को देख रहा था, उसी को उसने देखा और उस इमेज की वजह से क्या हुआ, उसको लगा कि दूसरा लाइन है। क्लियर। थर्ड वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। अब देखिएगा, लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो अभी मैं आपसे ये बताना चाह रही थी जस्ट कि जो रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होता है, लाइट रेज जो बाउंसिंग बैक हो रही है, तो लाइट रेज टकराई, जैसे कि सपोज ये कोई भी एक मेरा प्लेन मिरर है या फिर एक पॉलिश चीज है और यहां से लाइट रेज इस पे टकरा रही है, टकराने के बाद क्या हुआ, यहां से उसकी डायरेक्शन बदलेगी ना, तो चेंज हो रही डायरेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि टकराने के बाद वो बाउंस बैक होती है, ठीक है ना। प्लेन मिरर जो होता है, अब प्लेन मिरर जो हम घरों में जो यूज करते हैं, हमारा जो ड्रेसिंग टेबल के अंदर जो हम तैयार होते हैं तो जब अपने देखते हैं अपने आप को ड्रेसअप होने के बाद कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है, और जब मेकअप करते हैं तो जो प्लेन मिरर जो हमारा होता है वो प्लेन मिरर में किस किस तरीके से इमेज बनती है और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। सपोज आई एम द ऑब्जेक्ट है ना, अब मेरे सामने क्या है, ये यहाँ पे मिरर है और मैं ये खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, तो आप अपने आप को भी ऑब्जर्व इस तरह से कर सकते हैं, तो कैसा लगता है आपको, देखिएगा मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ है ना, तो आई एम द ऑब्जेक्ट, तो मैं तो क्या हुई ऑब्जेक्ट, और मेरी क्या बन रही है मिरर के अंदर, शीशे में उस प्लेन मिरर के अंदर क्या बन रही है, मेरी इमेज बन रही है। अब देखिएगा वो इमेज कैसी कैसी होती है, जब भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं मिरर में तो आपकी इमेज कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, मैं सीधी खड़ी जैसी खड़ी हूं ऐसी ही इमेज बनेगी बिल्कुल हूबहू, क्लियर। और कैसी होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा होना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी, ये तो नहीं कि मेरी उल्टी इमेज बन रही है ना, मैं उल्टी तो नहीं बनती, सीधा ही रहता है वो जस्ट। सेकेंड, सेम साइज की बनती है, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जितना मेरा साइज है, ठीक है, आई एम द ऑब्जेक्ट नाउ और मेरी इमेज बन रही है मिरर में, तो मिरर में मेरी जो इमेज बन रही है वो कैसी होगी, सेम साइज की, जितनी बड़ी कोई भी चीज होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही साइज की होगी। थर्ड वन इज द वर्चुअल। अब यहाँ पे वर्चुअल से क्या मतलब है, देखिएगा इमेज को ना, जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल वर्ल्ड और एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं, वो इमेज जिसको कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, प्लेन मिरर के सामने मेरी इमेज बन रही है, अब मैंने कोई एक स्क्रीन लेकर बड़ी सी, स्क्रीन में किसी भी चीज से बना सकती हूँ, मैंने मान लो सपोज एक बेसिकली कैनवास है मेरे पास बड़ा सा, और उसको मैंने क्या किया मिरर के पीछे उसको सेट कर दिया, और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जो इमेज है क्या वो स्क्रीन पर बन पाती है, तो मैं ऑब्जर्व करूंगी कि नहीं बनती है। अब मैंने क्या किया, उस स्क्रीन को मिरर के सामने रख दिया, तो सामने रखूं चाहे मैं मिरर के पीछे रखूं, जो इमेज है वो बनती नहीं है, कभी भी नहीं बनेगी, यानी कि प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज द
वर्चुअल इमेज, इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जिसको कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीन पर उसको नहीं ले पा रहे, शीशे के अंदर तो है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, है ना। मैं तो ऑब्जेक्ट हूं और मेरी इमेज कहां बन रही है, अंदर बन रही है, उसके शीशे में अंदर की तरफ बनती है, पीछे की तरफ बन रही है, ऐसा ही होता है ना। थर्ड वन क्या, फोर्थ वन है हमारा कि इमेज जो होता है वो सेम उतनी ही डिस्टेंस पे होगी। ये मिरर मेरा यहाँ है और मैं इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पे खड़ी हूँ, सपोज मैंने नीचे से मेजर करके और मैं 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ी हुई हूँ, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे मिरर है और 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हूँ, तो जो मेरी इमेज जो बनेगी अंदर शीशे में, वो भी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड पीछे ही बनेगी वो। आप करके देख सकते हैं ऐसे, जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए प्लेन मिरर के सामने और देखिएगा कि आपकी इमेज कैसी बन रही है। आप आगे मूव कीजिए तो आपको लगेगा कि आपकी इमेज भी उधर से आगे उधर मूव कर रही है, पीछे कीजिए तो कितनी दूर बन रही है ना। और सेम साइज की बनेगी, इरेक्ट बनती है, सीधी होती है, वर्चुअल इमेज बनती है और सेम डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। उसके लिए एक एक्टिविटी आपको इसमें बताई हुई है बुक के अंदर कि जस्ट एक चेस बोर्ड लेंगे हम, है ना, वो इसीलिए बता रखा है कि चेस बोर्ड की हेल्प से जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट जितनी जितनी दूरी पर होगा मिरर से उतनी ही दूरी पर जो है आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। कि चेस बोर्ड लिया हमने और उसमें एक बीच में हमने मिरर को सेट कर दिया और एक मतलब रेक्टेंगुलर मिरर लिया छोटा सा एक्टिविटी करने के लिए, और उसके सामने एक शार्पनर या रबड़ रखा, किसी एक स्क्वायर के अंदर रख दिया हमने, फिर उसको हम काउंट करके आगे मूव कर रहे हैं तो इतना ही वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो इजिली हम इसको समझ सकते हैं। और रिफ्लेक्शन के लिए भी एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं और बेसिकली हम ऑब्जर्व भी करते हैं बहुत बार। देखिएगा बेटा, आप लोग क्लास में भी या बहुत बार देखते हैं कि आपका जो आई कार्ड होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड, बड़ा शाइनी होता है पीछे से, और बेसिकली बच्चे बहुत बार क्लास में करते हैं शरारतें कि कोई लाइट रेज आ रही है उस पर डालेंगे और दूसरे बच्चों को जो डिस्टर्ब करते हैं या दीवार के ऊपर, और उसको रिफ्लेक्शन को जो ना वहां पे उसको लाइट रेज जो भी आई तो उसको इस तरीके से फोकस करते हैं कि दीवार पर जो है, क्योंकि व्हाइट कलर का पेंट होता है तो इजिली चमक जो है दीवार पर बनती है, है ना। या कई बार आपने ये भी देखा वो शीशे के अंदर रोशनी के अंदर सनलाइट में जब हम मिरर को छोटे से मिरर को लाकर और आंखों में या कहीं पर भी जैसे किसी दूसरे को परेशान करना होता है तो क्या हुआ, बेसिकली लाइट रे ने फॉल किया शाइनी या स्मूथ सरफेस पर, जब लाइट रे गिरती है तो वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को बदल देता है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्ट होकर कहीं भी जैसे जैसे हम उसको सेट करेंगे एंगल से, उसी एंगल से वो लाइट रे जो है बाउंस बैक होकर मूव करती है, है ना। तो इसी तरह से एक छोटी सी एक्टिविटी भी इसके लिए कर सकते हैं कि आप एक रेक्टेंगुलर जो है एक मिरर लें और उसके आगे क्या कर दें, आप उस रेक्टेंगुलर मिरर को सेट करने के बाद उसके सामने एक टॉर्च रखिए और टॉर्च के सामने एक ऐसा पेपर लगाइए ब्लैक कलर का जिसमें कि तीन स्लिट बना दें। स्लिट का मतलब क्या होता है, उसको इस तरह से कट कीजिए कि थ्री जो है स्ट्रिप्स सी कट, मतलब कट कर दीजिए उसको, है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, उसके सामने अगर आप टॉर्च के सामने अगर आप पेपर नहीं लगाते हैं तो एक कॉम्ब भी ले सकते हैं, एक कंघा लेंगे तो कंघे के अंदर क्या होता है, बेसिकली दांते जो उसके पित्त बने हुए होते हैं उनमें गैप होता है, ठीक है। अब लाइट टॉर्च को यहां रखा, ये आपका है यहाँ पे मिरर, और बीच में आपने क्या रख दिया बेटा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉम्ब को रख दिया। जो लाइट रेज है, जो बीम ऑफ लाइट है टॉर्च की, वो इसके अंदर से होकर कहां जाएगी, मिरर पे टकराएगी, तो क्योंकि वो डिजाइनदार था लाइन है ना, तो उसी तरीके से लाइट रेज वहां से जाएंगी और मिरर पे टकराने के बाद बाउंस बैक होकर वो वापस टकराएंगी, वापस लौटेंगी, तो वो आप जो टेबल है या नीचे का जो हिस्सा है उस पर आप इजिली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है, लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रूटीन लाइफ में, और विदाउट लाइट वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। डार्क रूम में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं है। थोड़ी सी भी रोशनी अगर आती है कहीं से भी, किसी छोटे से होल में से भी अगर लाइट एंटर कर रही है, तो हम बहुत आसानी से चीजों को देख पाते हैं, अच्छे से हमें चीजें दिखाई देती है। तो इन दिस वीडियो लेक्चर जस्ट वी आई डिस्कस यू अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।